श्रावस्ती में लगातार हो रही बारिश से रफ्ती बैराज का जल स्तर जहां खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, जिससे 100 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। जिला प्रशासन द्वारा बचाव के सारे इंतजाम पहले ही किए जा चुके थे। गांव में लोगों को पानी से बाहर निकालने व उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं श्रावस्ती विधायक रामचरण पांडे ने क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों को लंच पैकेट का वितरण करवाया। श्रावस्ती विधायक ने आज जुमना क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त गांव जोगिया, शेरगढ़, बलुहिया, लक्ष्मणपुर, सिमरिहिया, पोदिलरा, पोदिली, वीरपुर, लोकीहा आदि गांवों का दौरा किया। विधायक ने लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, जब भी कोई बात हो तो हमें बताएं, हम हमेशा आपके साथ हैं। इस मौके पर महेश मिश्रा, ओम वीरू तिवारी, थाना प्रभारी मलिपुर देवेंद्र कुमार पांडे, थाना प्रभारी सोमवार राजकुमार पांडे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। विधायक जी, आप मणिपुर इलाके में इस समय है, राहत सामग्री जो बाढ़ पीड़ित है उनमें आप बात रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये कहना क्या, पूरा जिला हमारा है, मैं 3 बार जिला अध्यक्ष था और मूल जनपद श्रावस्ती का निवासी हूँ। मैं विधायक भले श्रावस्ती से हूँ, लेकिन हमारा कोई प्रतिनिधि अगर हमारे पार्टी का यहाँ नहीं है तो सरकार की मंशा के अनुरूप सबका साथ और सबका विकास का नारा बुलंद करते हुए सभी पीड़ित को पूरी सामग्री दी जाएगी और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं तत्पर रहूँगा। रात में आई है, जिला प्रशासन को सुबह से ही बाढ़ क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाना जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ आपके द्वारा बांटा गया है, तो अधिकारियों अधिकारी लेवल पे क्या कहेंगे? अधिकारी लेवल क्या करे, रात में बाढ़ आई है, सुबह उनको जानकारी हुई तो जिनको ये टेंडर फंडर दिया गया होगा वो अपना बनाने में कोई 2-4 खुराक तो है नहीं, जहाँ 10-5 हजार लंच पैकेट बनाने होंगे उसमें समय लगेगा। अब नियमित जब तक बाढ़ रहेगी तारतम्य बराबर चलता रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। हमारा पूरा प्रशासन हमारे साथ है, पूरा प्रशासन जनता के लिए मुस्तैद है और हमारी सरकार की मंशा है कि जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं सबको एक तरफ से उनको पूरा का पूरा साधन, अभी तो सोच में उनको लंच पैकेट मिल रहे हैं और बाढ़ होगी तो उनको राहत सामग्री जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री कर्मयोगी आदित्यनाथ जी ने 17 प्रकार की पिछले साल बंटवाई थी वो पूरा का पूरा सामान सबको मिलेगा और बाढ़ राहत से लोगों को निजात दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं।